दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज तो किन किन तो ज़िलों का तो पेमेंट आया है और अभी हाल ही के अंदर तो किन किन तो ज़िलों का अगस्त और सितंबर माह का तो पेमेंट आया है और अभी तो कहाँ के फॉर्म अप्रूव हुए। इन सब की आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल साथ जानकारी बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेरोजगारी पत्ते की लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहेगी। तो आज की अपडेट है कि आज तो हनुमानगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट का तो पेमेंट आ चुका है। शायद तक हनुमानगढ़ का या तो ये जुलाई का है या फिर अगस्त का पेमेंट है, जो भी ये रुका हुआ पेमेंट था वो आ गया है। और हनुमानगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट का यह कल भी आया था और आज की डेट के अंदर ही पेमेंट आया है। इसके बाद आपका तो अजमेर का शायद तक ये अगस्त मंथ का पेमेंट आ गया है और इसके बाद आपका गंगानगर का ये सितंबर मंथ का पेमेंट आ गया है और इसके बाद आपका तो नागौर का भी सितंबर माह का पेमेंट आ चुका है और ये सीकर तो डिस्ट्रिक्ट का भी सितंबर मंथ का पेमेंट आ चुका है। इसके बाद आपका तो बारह नागौर ये कोटा का भी आज की और तो कल की डेट के अंदर पेमेंट आया है। इसके बाद आपका ये जैसलमेर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आ चुका है और आपका अलवर तो डिस्ट्रिक्ट का ये सितंबर मंथ का पेमेंट आ चुका है। तो अलवर से मुझे बहुत सारे तो कमेंट आते थे कि मेरा पेमेंट कब आया था, उनका भी 100% पेमेंट मान के चले कि ये सभी का भी तो पेमेंट आ चुका है अलवर का। और इसके बाद आपका ये बाड़मेर का भी तो पेमेंट आ चुका है। तो बाड़मेर का शायद तक ये अगस्त का होगा या फिर यह सितंबर का, आप एक बार तो वो ज़रूर शेयर करें। इसके बाद आपका तो हनुमानगढ़ का तो ये जुलाई अगस्त तक का पेमेंट आया है। इसके बाद आपका जालौर का ये सितंबर मंथ का पेमेंट है। मेरे पास सब स्क्रीन शॉट के रूप में ये सब इकट्ठे किए हुए वो तथ्य इसी के आधार पर आपको मैं बता देता हूँ। जालौर का ये सितंबर मंथ का पेमेंट है, ये सीकर का भी सितंबर माह का पेमेंट है। इसके बाद आपका जयपुर का ये जुलाई का बता आ गया था। तो जयपुर का तो कुछ का ये जुलाई का यार को तो कुछ का अगस्त का भी वो शायद तक पेमेंट आ गया है। इसके बाद आपका ये सभी माधोपुर का भी तो पेमेंट आ चुका है। तो सभी माधोपुर पे से भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरा पेमेंट कब तक आएगा, तो उनका भी पेमेंट आ गया है। इसके बाद आपका ये धौलपुर तो डिस्ट्रिक्ट का भी शायद तक अगस्त तक का पेमेंट आ गया है। धौलपुर के बाद आपका भीलवाड़ा और ये झुंझुनू का भी तो पेमेंट आ गया। अभी हाल ही के अंदर इन सभी तो ज़िलों का 2 से 4 दिन के अंदर तो 100% तो पेमेंट आ गया है। तो एक बार मैं सभी ज़िलों का एक बार फिर नाम तो बोल देता हूँ, आप भी एक बार तो काउंट तो ज़रूर करें कि आपके ज़िले का पेमेंट आया नहीं। इसके अंदर तो गंगानगर, नागौर, जयपुर बारह नागौर, तो कोटा, जैसलमेर, अलवर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, तो जालौर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, धौलपुर और भीलवाड़ा, तो इन सभी तो ज़िलों का अभी हाल ही के अंदर तो पेमेंट आ गया और इनके अंदर तो बहुत सारे ज़िलों का सितंबर माह का पेमेंट आया और तो बहुत सारे ज़िलों का आपका अगस्त का पेमेंट आया है। इसी के अंदर तो जिनका ये सितंबर मंथ का पेमेंट है उनकी आपको मैं ज़िलों का नाम बता दूँ, जैसे कि नागौर हो गया, आपका भरतपुर हो गया, झुंझुनू हो गया और ये सीकर हो गया, अलवर हो गया और इसके साथ ही आपका श्री तो गंगानगर हो गया। इन ज़िलों का आपका ये सितंबर मंथ का पेमेंट 100% आ गया और उनके अलावा तो जिनका ये जुलाई का आया और जुलाई और अगस्त का पेमेंट आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट और वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन वो जरूर कीजिएगा। और इसके बाद ये फॉर्म अपलोड वाला भी तो प्रोसेस हुआ उसका वीडियो हमारे चैनल पर तो डाल दिया गया, जो भी हाल ही के अंदर फॉर्म तो जिनका भी अपलोड हुआ उनका तो पेमेंट ये कब तक आएगा, तो उन सब की पूरी डिटेल साथ वीडियो अपलोड तो कर दिया गया, आप भी उस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं और एक और फ्रेश अपडेट के साथ।